हे गाइस, दिस इज़ आरती एंड यू वेलकम टू लर्न लाइवली। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही नई यूनिक सी रेसिपी, जो कि है वेजिटेबल केक। बहुत ही हेल्दी है, इसे आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डाइट पे हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। आइए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी। तो यहाँ पर मैंने एक और आधा कप, मतलब कि डेढ़ कप सूजी ली है। इसको हम सबसे पहले ग्राइंडर में पीस लेंगे, थोड़ा इसको बारीक कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे सूजी को मैंने पीस लिया है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बर्तन में। और अब हमें इसमें डालना है आधा कप दही, और साथ में हम इसमें लेंगे आधा कप पानी। तो इसी कप में हम पानी ले लेंगे। पानी को अच्छे से मिक्स करके आप इसमें डाल दीजिए। तो आधा कप दही और आधा कप पानी के साथ पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर पानी कम होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे। हमको इसको पतला नहीं रखना है, हमको इसको थिक ही रखना है, इसीलिए पानी का हमें इसमें ध्यान देना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं सूजी में अच्छे से सब कुछ मिक्स तो हो गया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा थिक है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी पानी 1/4 कप, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अच्छे से सूजी हमारी मिक्स हो गई, और इसका जो बैटर है वो काफ़ी थिक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको इसी तरीके से रख देना है करीब 5-10 मिनट के लिए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो अब आपको लेना है एक पैन, यहाँ पे मैंने तड़का पैन लिया है, और इसमें 1 चम्मच तक हमें ऑयल डालना है। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप यहाँ पे देसी घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप इसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल ना करें। तो तेल गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को हम लो करेंगे, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काजू। तो यहाँ पे 5-6 काजू को मैंने कट कर लिया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और रिफाइंड ऑयल या घी हम इसमें ऐड करेंगे तो जो हमारा वेजिटेबल केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप यहाँ पर कोई और ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल इसमें सरसों और करी पत्ता का तड़का लगा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर काजू जो है वो बढ़िया गोल्डन हो गया है। गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे, और अगर आपके पास करी पत्ते हों तो ऐड कर दीजिए। मेरे पास ये सूखे करी पत्ते हैं तो मैं ऐड कर रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जिसमें हम इसको बनाएंगे केक को, उस बर्तन को आपको लेना है और उसको अच्छे से ग्रीस कर देना है ऑयल से, इस तरीके से। आप किसी भी बर्तन में इसको बना सकते हैं, कोई भी कटोरा हो उसमें आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो अच्छे से इसको ग्रीस करने के बाद आपको क्या करना है, लेना है 1 छोटा चम्मच गेहूँ का आटा, या मैदा हो आपके पास तो उसको लेना है, और इससे हम इसको अच्छे से डस्टिंग कर देंगे ताकि आराम से हमारा केक निकल जाए। और ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसको हम गिरा देंगे। तो अब हम इस मिक्सचर में ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँ यहाँ पे नमक, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप नमक ऐड करें। फिर मैं इसमें ऐड करूँ हरी मिर्च, ये भी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। साथ में यहाँ 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, अगर आपको लहसुन अदरक नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, ये भी अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ऐड करूँ 1/4 चम्मच ये भुना हुआ जीरा का पाउडर है, आप चाहें तो यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और हमें ऐड करनी है इसमें कुछ सब्जियाँ, तो मैंने यहाँ बारीक प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर काटा है। तो यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ करीब 3-4 चम्मच हैं बड़े। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हरी धनिया, और अब हम ये ऐड कर देंगे काजू वाला तेल, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है ये खाने में, और बहुत ही न्यू रेसिपी है, आसानी से आप बना लेंगे। अगर आपके पास इसमें से कोई चीज़ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं सब्जियों में। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास दही भी नहीं है तो आप दही की जगह नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें पानी आवश्यकता अनुसार डालकर आप इस तरीके का थिक पेस्ट बनाइएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर मैं ऐड करूँ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, अगर आपके पास इनो है तो आप ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड किया है। और अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम ये लेंगे बर्तन जिसको हमने ग्रीस किया है, और इसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसको अभी हम टैप करेंगे, और इसको इस तरीके से आप स्पून की मदद से बराबर कर दीजिए। और अब हम इसको डेकोरेट करेंगे अपनी मनपसंद सब्जियों से। तो मेरे पास यहाँ शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर है, तो इससे हम इसको डेकोरेट कर देंगे अच्छे से, ताकि ये देखने में बहुत ही सुंदर लगे, प्रेजेंटेबल लगे। तो ये देखिए, यहाँ पे सब्जियों से मैंने डेकोरेट कर दिया, कितना प्यारा लग रहा है। तो अब हम इसमें कहीं कहीं पे काजू ही लगा देंगे इस तरीके से। तो बस ये रेडी है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे सिल्वर फॉइल से।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको कवर कर दिया है। तो वेजिटेबल केक को मैं स्टीम करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने पैन में पानी को गर्म कर लिया है, इसमें उबाल आ गया है। गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसमें एक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई कटोरी रख सकते हैं, कोई प्लेट रख सकते हैं। और अब हम ये अपना मिक्सचर रख देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। करीब 20 से 25 मिनट तक हम इसको पकने देंगे इसी तरह से लो फ्लेम पर। उसके बाद हम इसको एक बार चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पूरे 25 मिनट हो गए हैं, कवर को ओपन करते हैं और आइए चेक करते हैं केक को। तो आप इसको आराम से इसके सिल्वर फॉइल को हटाइएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर हमारा केक दिख रहा है। तो आइए चेक करते हैं कि ये बेक हुआ है कि नहीं अच्छे से। तो यहाँ पे आपको ये नाइफ़ लेना है और इसकी मदद से आप इसको चेक कीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि नाइफ़ में ये हल्का हल्का गीला सा आ रहा है, तो इसको अभी हम और पकाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये सिल्वर फॉइल इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है और इसको कवर कर देना है फिर से करीब 5 से 10 मिनट के लिए। तो आइए एक बार फिर से हम चेक करते हैं पका है कि नहीं। नाइफ़ क्लीन निकल रहा है, इट मीन्स ये अच्छे से पक गया है। तो अब गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे और इसको थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। तो यहाँ पे केक ठंडा होने के बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे केक ठंडा हो गया है, इसको इस तरीके से आप निकाल लीजिए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि केक बहुत ही अच्छे से निकल गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है हमारा केक, एकदम सॉफ्ट। तो क्या आपने ऐसी रेसिपी पहले ट्राई की थी, मुझे कॉमेंट में बताइएगा और प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा।